हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा आपसे प्रॉमिस था कि हम जल्दी ये शॉर्ट पेपर करना स्टार्ट कर देंगे, तो चलिए हम लोग आपको पता है जल्दी से शॉर्ट करना स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये आपको पता है 2020 सेट का सबसे पहले हम फोकस करेंगे 2020 सेट पे। और आपको पता सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका 2020 सेट का, जो बोर्ड पेपर आया था आपका पहला सेट है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेबर, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट इंटू मीटर, न्यूटन पर कूलम। आपको पता है इसमें एक ऑप्शन आपको सॉल्व करके लगाना होगा जो सही होगा। तो आप जानते हो विद्युत फ्लक्स को हम दिखाते हैं फाई से, और फाई बराबर होता है ई इंटू ए। यहाँ पे आप जानते हो ई क्या है? ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ए आपको पता है पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे ए आपको पता है क्या है? क्षेत्रफल। अब अगर दो प्लेटें हैं, दोनों में अपोजिट चार्ज है प्लस प्लस प्लस, और दूसरे पे कैसा है माइनस 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 माइनस, इनके बीच में विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो क्या रिलेशन होता है अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस डी हो? तो आप जानते दोनों के बीच संबंध होता है ई इज इक्वल टू वी बाई डी। अब अगर इसको हम यहाँ यूज करें तो ई हम लिख सकते हैं वी बाई डी इंटू ए। बी आप जानते हो क्या है? पट विभवांतर है, जिसका मात्रक होगा वोल्ट, दूरी का मात्रक होगा मीटर, और क्षेत्रफल का मात्रक होगा मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर कट गया, कितना बचेगा? वोल्ट इनटू मीटर। तो आप जानते हो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? वोल्ट इनटू मीटर, जो आपका थर्ड ऑप्शन है। ये पहला क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव जो आपसे पूछा गया था बोर्ड में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, लगा लो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। कहा जा रहा है एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है, इन्हीं दो शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध निम्नलिखित होता है। तो आप जानते हो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो आपको सीधे आपको यहाँ पे पहले समझना क्या है कि एक तार है जिसका पूरे का प्रतिरोध कितना है? 24 ओम। इसको आप जानते हो उसके तीन बराबर टुकड़े कर दिए गए हैं, तो एक दो और तीन, और तीनों का प्रतिरोध है 8 ओम। इसका भी 8 ओम और इसका भी कितना है? 8 ओम। अब इन तीनों से एक त्रिभुज बनाया जा रहा है, चलो हमने तीनों को जोड़ के एक त्रिभुज बना दिया है और इस त्रिभुज की नेमिंग कर ली है ए बी और सी। आप जानते हो इधर वाले का भी 8 ओम, ए बी का भी, ए सी का भी 8 ओम, और बी सी वाले तार का भाग जो है उसका भी प्रतिरोध कितना होगा? 8 ओम। हम देखते हैं इसमें कैसे करना है, हमको क्या प्रोसीड करना है। तो आप जानते हैं यहाँ पर ए बी सी तीनों ही पोर्शन का जो प्रतिरोध है वो कितना है? 8 ओम का वैल्यू वाला है। तो आपको किन दो बिंदुओं के बीच रखना है? तो हमको मान में माना कि बी और सी के बीच में हम निकाल रहे हैं। कहाँ पे निकालना है? बी और सी के बीच में। तो आपको बस करना बेस्ट तरीका यही है कि आप बी से करंट को अंदर भेजोगे और सी से करंट को बाहर निकाल दोगे। तो अगर आप ध्यान दो बेटा, तो इन दो बिंदुओं के बीच में यहाँ पे अगर करंट पहुंचेगी बी पर, तो इसके पास दो रास्ते, करंट दो पोर्शन में बढ़ जाएगी, जो करंट इधर की तरफ जाएगी वो पलट के इसमें भी जाएगी। तो आपको पता है इन दोनों में समान करंट जाएगी, इसका मतलब 8 ओम कामा 8 ओम के प्रतिरोध समान धारा जाती है, तो किस क्रम में होते हैं? प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। अब आप जानते हो श्रेणी क्रम में है तो आर बराबर कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2, या गिव्स आउट आप जानते हो 8 प्लस 8 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 16। इसका मतलब आप इस फिगर को थोड़ा नीचे समझो इसी को, तो यहाँ पे हम ध्यान दें तो B और C के बीच में कितना है प्रतिरोध? तो B और C के बीच में 8 ओम प्रतिरोध, जबकि ऊपर की ओर इन्हीं दो बिंदुओं के बीच में भी हमने हल किया तो कितना है? इसका भी आप जानते हो 8 ओम है। बात समझ आ रही है? देखो अगर आप ध्यान दो तो इनको आप ऐसे रेजिस्टेंस के केस में भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो, अगर आपको ऐसे बेस्ट तरीका समझ में आता तो आप ऐसे भी दिखा लो इनको। अब आप जानते हो ये 8 और 8 ओम किस ओम में होंगे बेटा? किस ऑर्डर में होंगे? तो 8 ओम कामा 8 ओम के प्रतिरोध किस क्रम में है? समांतर क्रम में, पैरेलल ऑर्डर में है। और आपको पता अगर ये समांतर क्रम में है तो R बराबर कितना होता है? 1 बाई 8 नहीं, यहाँ पे आप जानते हो 8 की वैल्यू कितनी ली जाएगी? 16 ओम की। तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा? 16 ओम कॉमा 16 ओम, तो आपका हो जाएगा 1/16 प्लस 1/8, एलसीएम लोगे तो आप 16 होगा, 16 आठ दूनी 16, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी 3/16। जब आप उसको पलट के लिखोगे तो आंसर कितना होगा बेटा? 16/3 ओम। ये आपका सेकंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था 2020 के फर्स्ट सेशन में, इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सेकंड ऑप्शन एकदम आपका
करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड ऑब्जेक्टिव आपका जो था सेट का हुआ है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में R बराबर 100 ओम, XL बराबर 200 ओम तथा XC बराबर 200 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो आरोपित वोल्टेज तथा धारा में कलांतर है। तो आप जानते हैं केस आपको पता भी होगा, अगर परिपथ में XL और XC आपस में बराबर हैं तो ये कौन सा केस होता है? श्रेणी। ये आपने पढ़ा भी होगा, इसको श्रेणी अनुनादी परिपथ बोलते हैं, या अनुनादी परिपथ भी बोलते हो आप, श्रेणी अनुनादी परिपथ जिसको आप बोलते हो रेजोनेंस सर्किट। इंग्लिश में क्या बोलते हो आप इसको? रेजोनेंस, रेजोनेंस सर्किट। अब अगर आप देखो इस केस में आपको पता है कि कोई भी पावर लॉस नहीं होता, एक्सएल बराबर एक्सी, और इस केस में स्पेसिफिक केस आपको पता भी होगा, कलांतर फॉर्मूला टैन फाइ इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। अगर आप देखो एक्सएल और एक्सी सेम है तो एक्सएल माइनस एक्सएल, एक्सी जगह भी कितना लिख सकते हैं, एक्सएल अपॉन आर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर जीरो बटे आर, और आपको पता है टैन फाइ की वैल्यू अगर यहाँ देखेंगे तो किसके बराबर हो जाएगी? जीरो की, और टैन में जीरो किसकी वैल्यू होती है? टैन जीरो डिग्री। अगर हम कंपेयर कर दो तब तो कौन कौन सी चीजें सेम है? टैन और टैन सेम है, हट जाएगा कितना बचेगा बेटा? फाइ इज इक्वल टू जीरो डिग्री। यहाँ पे लिख लेना कंपेयर करने पर क्या, तो यहाँ पे आप जानते हो कलांतर जिसको आप कहते हो, फाइ को क्या कहते हैं? कलांतर, और कलांतर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर? जीरो डिग्री। इस हिसाब से आपका पहला ऑप्शन सही हो रहा है, नोट कर लीजिए इसको, बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर। आपको कहा जा रहा है यदि ध्रुवण कोण अल्फा तथा क्रांतिक कोण बीटा हो, इसका मतलब आप जानते हैं ध्रुवण कोण को आपको इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको आप? एंगल ऑफ पोलराइजेशन। फिलहाल आपका ये 30% सिलेबस में हट चुका है, अगर आप चाहो तो ये इंपॉर्टेंट आप जानते हैं पेपर की दृष्टि से नहीं क्योंकि दिया गया इसलिए करवाया जा रहा है यहाँ पर। और क्रांतिक कोण को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं इसको? क्रिटिकल एंगल। अगर आपने देखा होगा यहाँ ब्रूस्टर का एक नियम है, बड़ा फेमस नियम है जो आपको नहीं पढ़ना है, एन इज इक्वल टू टेन आई पी। यहाँ पे आई पी को आप बोलते हो एंगल ऑफ पोलराइजेशन, पी से पोलराइजेशन और आई का मतलब होता है एंगल ऑफ पोलराइजेशन। तो यहाँ आई पी होना होगा कितना दिया गया बेटा? ये अल्फा, जबकि आपने क्रांति कोण का फॉर्मूला पढ़ा होगा एन इज इक्वल टू वन बाई साइन। अगर आप देखो तो दोनों तरफ से अगर बराबर दिखाते तो टेन अल्फा इज इक्वल टू वन अपॉन साइन सी, मल्टीप्लाई करा दो आप तो टेन अल्फा इंटू साइन सी इज इक्वल टू वन, ये आपका एकदम सही होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो रहा है? अगर सॉरी यहाँ पे कोण क्रांति कोण सी ना होकर बीटा दिया गया है तो आप सी की जानकारी दोगे बीटा। इस हिसाब से अगर आप ऑप्शन को मैच करोगे तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा जिसकी वैल्यू आप जानते हो मैच कर रही है टेन अल्फा इंटू साइन बीटा इज इक्वल टू वन। चलिए इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर। अगला ऑब्जेक्टिव आप जानते हो क्या है? एक ही वेग से गतिमान निम्नलिखित में से किस कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य अधिकतम होगी? तो आप जानते हो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य को आप इंग्लिश में क्या कहते हो? डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या बोलते हैं इसको? डी ब्रोगली वेवलेंथ। और आपको पता है पार्टिकल नेचर के लिए, मूल कणों के लिए, कुछ कण आप जानते हो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए, हमने फॉर्मूला पढ़ा होगा लैम्डा डी इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट टू एम ई वी। यहाँ पे आप जानते हो m क्या है? कण का द्रव्यमान। जो आप जानते हो e क्या है? e आप जानते हो कण पर आवेश है, और v आप जानते हो विभवांतर। तो आपसे कह रहे हैं एक ही वेग से गतिमान, तो आप जानते हो यहाँ पर अगर आप खुद सोचो तो बाकी सारी चीजें तुम सेम ही है क्योंकि आपको पता है यहाँ पर आवेश इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब में सेम। लेकिन अगर द्रव्यमान के हिसाब से देखें तो जिस कण का द्रव्यमान सबसे कम होगा उसके लिए डी ब्रोगली तरंग सबसे ज्यादा होगी। आपको पता है जितने भी मूल कण में सबसे कम द्रव्यमान किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। आपको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कितना? 9.1 × 10⁻³⁻³ किलोग्राम। इसका मतलब जानते हैं सबसे कम वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की, इसलिए आपको पता है जब द्रव्यमान सबसे कम तो डी ब्रोगली तरंग सबसे ज्यादा। इसका मतलब आंसर सही क्या होगा आपका? इलेक्ट्रॉन आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर। आपको लास्ट ऑब्जेक्टिव जो है कह रहा है प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में प्रकाश की आपतित आवृत्ति न्यू तथा निरोधी विभव वी नॉट के बीच खींचे गए ग्राफ की ढाल क्या होती है? तो इसमें आपको जानते हो आपको एक ऑप्शन बताना है जो करेक्ट है। तो आप जानते हो बेटा यहाँ पे हमने लिख भी दिया आपको पहले से, प्रकाश विद्युत प्रभाव में अगर हम देखें तो आपतित प्रकाश की तीव्रता को, जो आपतित प्रकाश की आवृत्ति होती है उसको किससे दिखाते हैं? न्यू से, और निरोधी विभव हम दिखाते हैं वी नॉट से। इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल इसको अप्लाई करने के बाद आप जानते हो निरोधी विभव लगाने के बाद आपको पता है प्रकाश विद्युत प्रभाव जो में जब फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनका उत्सर्जन बंद हो जाता है। इसका मतलब जानते हो प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है। अब अगर आप देखो तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा ईके का सूत्र क्या होता है? ईके इज इक्वल टू ईवी नॉट बराबर एच न्यू। अब अगर हम देखें तो हमको क्या निकालना है? प्रकाश की आवृत्ति न्यू और
दूसरा देखें वी नॉट के बीच में ग्राफ खींचे तो बेटा आप खुद सोचो यहाँ पे अगर हम इसको इधर लाए तो वी नॉट बटे न्यू बराबर कितना हो जाएगा एच बाई ई। अगर आप ध्यान दो इसको अगर हम वाई एक्सिस पे ले रहे हैं तो ठीक है, चलिए न्यू नॉट को वाई एक्सिस पे ले लिया है और इसको एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, चलो इसको एक्स एक्सिस पे ले लिया बराबर एच बाई ई। अगर आपको याद होगा तो वाई बाई एक्स आपने देखा होगा बराबर, या आपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी होगी वाई बराबर एम एक्स। अब अगर आप कंपेयर करो तो एम की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, एम की वैल्यू यहाँ पे जो आ रही है ढाल जिसको आप बोलते हो प्रवणता, क्या बोलते हैं इसको ढाल या फिर आप जानते हो इसको बोलते हैं प्रवणता, इंग्लिश में आप इसको बोलते हो स्लोप या ग्रेडियंट और ग्रेडियंट। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू होगी एच बाई ई, जिसके हिसाब से आपका सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। तो आपने हम देखा अभी तक हमने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं, कोशिश ये की जाएगी कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास में आपके जितने भी क्वेश्चन जो चाहे लॉन्ग आंसर हो चाहे शॉर्ट आंसर हो उनको हम अच्छे से अच्छे तरीके से आपको समझा सकें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।